ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋੜੀ ये सीधी तस्वीरें हम आपको भगवती नगर से दिखा रहे हैं और जिस तरह से फोर लेनिंग का काम भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया है और साथ ही बात की जाए फ्लाईओवर की तो यहां से लेकर जो भगवती नगर ब्रिज है तवी ब्रिज है वहां से लेकर कैनाल हेड जो है वहां तक एक फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाना है उसी को लेकर यहाँ पर जो नहर के साथ दुकानें हैं और एक घर है उसे तोड़ने का काम जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो है उनके द्वारा जो टीम गठित की गई है उनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आप जेसीबी देख सकते हैं, ये सामने एक दुकान थी जिसे अब पूरे तरीके से तोड़ दिया गया और यहाँ सामने जितनी भी दुकानें ये अगर सामने आपको दिखा दूँ और यहाँ आगे तक जितनी भी दुकानें आप देख रहे हैं और उसके आगे भी आपको दिखा दूँ जो मकान आपको दिख रहा होगा वो सामने उसे भी ये पूरी लेन जो है यहाँ से तोड़ दी जाएगी और क्लियर की जाएगी और उसके बाद जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा उसके आगे भी बहुत सारे क्वार्टर हैं जो सरकारी क्वार्टर है कल उन्हें भी जो है तोड़ा गया और इसके बाद यहाँ पर ये जो सड़क है इसे खुला किया जाएगा, वाइडनिंग की जाएगी यहाँ रोड की, हाईवे की, और उसके बाद यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो भी किया जाएगा। ख़ासतौर पर अब जिस तरह से ये यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अभी जितनी भी दुकानें हैं उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो दुकानदार हैं उन्हें पैसा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यही आती है जब भी इस तरह का काम जो किया जाता है सरकार की तरफ से तो मुआवजे की हमेशा लोगों की तरफ से गुहार रहती है कि हम मुआवजा जो है वो दिया जाए और मुआवजा इन्हें पहले ही दे दिया गया। हालांकि जितने भी ये लोग हैं इनका यही कहना है कि मुआवजा जितना होना चाहिए था उतना मुआवजा हमने नहीं मिला, आने यहाँ हाईवे पर थी, हाईवे पर हमारा काम चलता था भी होना चाहिए था लेकिन उस हिसाब से हमें मुआवजा जो है वो नहीं मिला है जिसके कारण जो है हम इतने सेटिस्फाइड जो है ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं। ये भगवती नगर है, भगवती नगर जो तवी ब्रिज है वहाँ से लेकर जो वहाँ पर एक नाका है वहाँ से लेकर अगर आप कैनाल हेड की बात की जाए, नहर की बात की जाए जो कला रोड की तरफ जाता है उस तरफ तक ये पूरा इसी तरह से काम जो है वो जेसीबी को लेकर किया जाएगा और रोड वाइडनिंग की बात की जा रही है और साथ ही साथ जो है साफ तौर पर जो फ्लाईओवर का काम है क्योंकि खासतौर पर यही देखा जा रहा है कि फ्लाईओवर यहां से लेकर वहां जाएगा और उसके बाद आगे जो मुट्ठी से लेकर कैनाल हेड तक जो कैनाल फ्लाईओवर आया है उसके साथ इसे मिलाने की कोशिश जो है वो की जाएगी और जितने भी यहां पर लोग हैं चाहे ये दुकानदार हो चाहे वो आगे मकान की बात की जाए वहाँ पर आपको दो मंजिला मकान दिख रहा होगा उसके आगे बहुत सारी दुकानें हैं जिन्हें पूरे तरीके से पहले ही नोटिस भी दिया गया था और उसके बाद तो ये बताया जा रहा है 1 महीने पहले इन्हें मुआवजा, लेकिन लोगों का यहाँ ये कहना है कि जिस तरह का हमें मुआवजा मिलना चाहिए था उस तरह का मुआवजा हमें नहीं मिला है। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं लोग जो है वो नाखुश भी है कि हमारी दुकानें हाईवे पर हैं और उस हिसाब से हमें मुआवजा नहीं दिया गया जो जिसकी हमें डिमांड थी। फिलहाल काम पूरे तरीके से चल रहा है, इससे पहले अगर देखा जाए तवी ब्रिज के साथ ही जो जेसी मतलब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो शौचालय बनाया गया है पहले उसे तोड़ा गया उसके बाद ही आगे जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं उन्हें तोड़ने का काम पूरे तरीके से किया जा रहा है। यहाँ सामने आपको दिखा दे तो ये जितनी भी दुकानें और यहाँ सामने ये मकान है और इसी तरीके से आगे तक ये साफ जो है जेसीबी की मदद से तोड़ा जाएगा और आगे अगर बात की जाए वहाँ पर सरकारी कुछ क्वार्टर्स थे जो सरकारी ज़मीन थी क्योंकि ये सरकारी ज़मीन नहीं थी इसलिए इन्हें मुआवजा जो है वो दे दिया गया है, लेकिन जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर अगर बात की जाए तो उन्हें वहाँ पर लोग वो भी परेशान है क्योंकि उनका ये कहना है कि हम रिटायर्ड पर्सन है यहाँ पर रह रहे थे और हमें अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा हमें कहीं ना कहीं जो है अगर दे दी जाए अलॉट कर दी जाए लोग कह रहे थे और आज भी उनका यही कहना है। लेकिन साफ तौर पर ये फ्लाईओवर का निर्माण जल्द करना क्योंकि सरकार यही चाहती है कि जल्द से जल्द निर्माण शुरू हो और जितनी भी ये यहाँ पर जो रोड बाइनिंग की जो काम है वो पूरे तरीके से चल पाए क्योंकि यहाँ पर रोड काफ़ी नैरो है और जब भी यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं काफ़ी मुश्किल से यहाँ से निकलती हैं, जितना भी वहाँ से मुट्ठी से निकल जो कैनाल रोड की तरफ आता है आजकल जीवल नहीं इसी हाईवे का इस्तेमाल करके तवी ब्रिज को क्रॉस करके वो विक्रम चौक या फिर बात की जाए तो बेयर हाउस से बाहर निकलते हैं और अब यही मेन रोड जो है लोगों ने अपनाया हुआ है जिसको लेते हुए मैक्सिमम गाड़ियां जो है बड़ी गाड़ियों की बात की जाए छोटी गाड़ियों की बात की जाए वो यहीं से निकलती हैं और यहीं से वो आगे अपने गंतव्य तक जाती हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये काम चल रहा है पूरे तरीके से जो जेसीबी की अगर मदद से ये काम पूरे तरीके से चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि ये यहाँ से जितनी भी ये कंस्ट्रक्शन है वह तोड़ कर मलबे को हटा कर आगे का काम जो है वो चलाया जाए। सीधी तस्वीरें भगवती नगर से हम दिखा रहे हैं यहाँ पर रोड वाइडनिंग और फ्लाईओवर का काम जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।